कोई भी चीज़ इत्तफाक़ नहीं होती, इत्तफाक़ भी इत्तफाक़ से नहीं होता। एक होती है गलती या बहुत बड़ी गलती, और एक होता है जुर्म। कभी भी हम जुर्म को गलती में जस्टिफाई नहीं कर सकते, बेशक गलती की वजह से ही जुर्म होता है, लेकिन जुर्म को ख़त्म करना है तो गलतियों को रोकना पड़ेगा। हो सकता है कि हर छोटा सस्ता सेलिब्रिटी बनने के लिए इस किस्म के स्कैंडल शो ऑफ करें जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनुल हसन है। कल मैं एक वीडियो अपलोड करता हूँ जो लाहौर इंसिडेंट के हवाले से, इस पर मैंने काफ़ी सारे हकायक से आपको आगाह किया, लेकिन काफ़ी चीज़ों को मैं सेंसर कर गया क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि ये चीज़ें आप सबके सामने या सोशल मीडिया में यूँ ही ओपनली बयान करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों के कमेंट्स थे, कुछ फॉरेनर्स के, कुछ हमारे लोकल लोगों के डिफरेंट किस्म के व्यूज़ थे, वो आपसे मैं शेयर करता हूँ कि लोग किस तरह के आइडियोलॉजी रखते हैं। दो किस्म के मैं आज बयान करूँगा। इन सब चीज़ों से हमें ये ज़ाहिर हो रहा था कि फॉरेनर्स जो हैं वो इस चीज़ से बहुत खुश हैं क्योंकि उन्हें ये लगता था कि पाकिस्तान में औरत सबसे ज़्यादा महफूज है, और है भी सही अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से माहौल ख़राब होता नज़र आ रहा है, और ये चीज़ दूसरे ममालिक के लिए, दुश्मन ममालिक के लिए, मैं सबकी नहीं बात कर रहा, दुश्मन ममालिक के लिए बहुत खुशखबरी की चीज़ है, बहुत ही बम्पर न्यूज़ है कि पाकिस्तान में वो चीज़ जो लाना चाह रहे थे वो उसमें कामयाब हो रहे हैं। अब इसी तरह काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊँ, काफ़ी कमेंट्स हैं जो मैं आपको सारे तो नहीं दिखा सकता, उनमें से चंद एक मैं आपको दिखाता हूँ। अब इस सब चीज़ों में दो किस्म का रिएक्शन हमारे सामने आया। अब इस सब चीज़ों में नंबर एक वो कि कुछ एक तबका ये कहता है कि औरत का, उस लड़की का कसूर था कि वो क्यों गई ऐसे हजूम में, और दूसरा वो लोग हैं जो कहते हैं कि इन 400 के 400 लोगों को फांसी लगा दी जाए। इन दोनों तबकों ने अपनी आइडियोलॉजी को, अपने नज़रिए को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब ये तो बहुत लंबी बहस हो जाती है, लेकिन मैं इसको अगर कंक्लूड करके आपके सामने पेश करता हूँ। उनके कमेंट से और उनके नज़रिए से हमें ये देखने को मिला कि कुछ लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का कल्चर एक जैसा ही है, ठीक है, उनका रहन सहन, उनका खाना पीना, क्योंकि एक अरसा दराज से वो एक साथ रहे हैं, उनका कल्चर काफ़ी मिलता जुलता है। हुआ ये कि जब इंडिया में शॉर्ट स्कर्ट्स और यूरोपियन कल्चर को फॉलो किया जाने लगा तो वहाँ पर रेप की शराब बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। और इसी तरह गुज़श्ता चंद सालों से पाकिस्तान में इन बॉलीवुड और मूवीज़ और मीडिया के ज़रिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा उनके माइंड में, पाकिस्तानी औरतों के माइंड में डाली गई कि वो भी इस तरह के आज़ाद कल्चर की तरफ आएँ। अब जब वो इस आज़ाद कल्चर की तरफ आएंगे, अब क्योंकि इंडिया में जो इस चीज़ का रिएक्शन हुआ, रेपिस्ट और रेप की बहुत ज़्यादा शराब बढ़ जाना, उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब पाकिस्तान की औरतों पे ये चीज़ हल्की सी सामने आई तो उनको बहुत बुरा लगा क्योंकि इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, और जब उनको आज़ादी भी चाहिए लेकिन वो इसका रिएक्शन भी नहीं चाहती। अपने हमसाए ममालिक में देखें तो वहाँ अगर ये सब कुछ हो रहा है, अगर लड़कियाँ आज़ाद आपको नज़र आ रही हैं तो उसका रिएक्शन भी आपको नज़र आ रहा है। ये कुछ इस किस्म के लोगों के व्यूज़ थे एक तबके के। अब हुआ ये कि उन लोगों को ये लगा कि अगर हम भी ऐसे सेलिब्रिटी बन सकते हैं, हम भी घर से निकल के ही फ़ौरन सेलिब्रिटी बन जाएंगे और लोगों की पहुंच से दूर हो जाएंगे, तो उसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा भयानक हुआ। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि पाको हिंद में आप इस तरह का कल्चर ला ही नहीं सकते कि खाना भी खुल जाए और बराती टूट भी ना पड़े। ये लोगों के कुछ कमेंट्स थे जो मैंने आपसे शेयर किए। उसके अलावा कुछ एक भाई साहब कह रहे हैं कि भूखे भेड़ियों और दौर जहालत चल रहा है। देखिए, हर चीज़ की एक बुनियाद होती है, कोई भी चीज़ इत्तफाकन नहीं होती, इत्तफाक भी इत्तफाक से नहीं होता। हर चीज़ की बुनियाद होती है, कोई चीज़ से शुरू करने वाली होती है, कोई आइडियोलॉजी होती है जो उस चीज़ को शुरू करती है। तो ये सब चीज़ों की बदौलत हमें ये सब के साथ लोगों के कमेंट्स शेयर कर रहा हूँ, आप वो देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके अपनी राय दे सकते हैं कि क्या इनका पॉइंट ऑफ व्यू सही है या गलत है। के अलावा अगर हम इसको इतना ही बढ़ावा देंगे तो ये आने वाले वक्तों के लिए और ज़्यादा मोटिवेशन है ऐसे बुरे लोगों के लिए कि वो कुछ भी कर सकते हैं और उसके बाद भी उनको सिंपैथी ज़रूर मिलेगी। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये सब अटेंशन लेने के लिए किया जा रहा है, गलती लड़की की थी या लड़के की थी। तो जो लोग कह रहे हैं गलती लड़की की थी, तो मैं एक चीज़ बयान करना चाहता हूँ। दो चीज़ होती हैं, एक होती है गलती या बहुत बड़ी गलती, और एक होता है जुर्म। कभी भी हम जुर्म को गलती में जस्टिफाई नहीं कर सकते, बेशक गलती की वजह से ही जुर्म होता है, लेकिन गलती को सुधारा जा सकता है, जुर्म को नहीं सुधारा जा सकता। इसलिए जुर्म की सज़ा ज़रूरी है, लेकिन जुर्म को ख़त्म करना है तो गलतियों को रोकना पड़ेगा। गलतियों को नहीं रोकेंगे तो जुर्म पे आप सज़ा तो दे देंगे, लेकिन जुर्म पे आप काबू भी नहीं पा सकते, मेरी बात याद रखिएगा। एक मोहतरमा कह रही हैं कि पहले ये खुद शो ऑफ करती हैं और फिर कोई कुछ कह दे तो इनको इंसाफ चाहिए होता है, ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है।
और एक और हैं जो कह रही हैं कि फ्रस्ट्रेटेड हैं पाकिस्तानी और वो जानवरों को भी नहीं छोड़ते। मैं अगेन वही बात कर रहा हूँ लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कि ये सब चीज़ें शुरू होती हैं, किसी वजह से शुरू होती हैं और इसको रोकने का कोई ना कोई अगर हम लोग YouTube पे इस तरह की मोटिवेशन देंगे कि सब कुछ ओपन कर दिया जाए, सारा कुछ आज़ाद कर दिया जाए, किसी भी चीज़ को कंट्रोल ना किया जाए और उसके बाद जो रिएक्शन होगा उस पे ज़बरदस्ती कंट्रोल। एक और कमेंट आप देख सकते हैं कि एक इंडियन साहब बहुत ज़्यादा खुश इस बात पे हैं कि वो पाकिस्तान को इस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं जहाँ पर वो ऑलरेडी हैं इंडिया, जिस चीज़ में उनको फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि पाकिस्तानी को इस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है, जो कि अच्छी बात है कि कहीं से तो हम नोटिस कर रहे हैं ना कि हमारे इस्लाम में ये चीज़ बुरी है। अब इस चीज़ के कल को बहुत सारे रिएक्शन देखने को मिल सकते हैं, हो सकता है कि ज़िद में आकर हर कोई अपनी आइडियोलॉजी अपनी आज़ादी के लिए बहुत ही गलत मुहिम चला सकते हैं, या फिर इसका ये भी रद्द मिल सकता है कि हर छोटा सस्ता सेलिब्रिटी बनने के लिए इस किस्म के स्कैंडल शो ऑफ करे, जानबूझ के करे ताकि उनको ये लगे कि ये वजह शोहरत यही है, जो कि एक बहुत ही मनफी किस्म का हमारे यहाँ रिएक्शन हो सकता है। वीडियो के नीचे भी आपको ऐसे कई कमेंट्स मिलेंगे जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस किस्म की लोगों की आइडियोलॉजी है। आप भी अपने व्यू से शेयर कीजिए हमारे साथ।